ये देखो तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज आपका भाई क्या आपका भाई आपका भाई भाई और हमारी जीजी जीजी नहीं आपको ना समझ में नहीं आता क्या जब हमारी जीजी ने बोल दिया तो बोल दिया आप बार बार मुंह उठा के क्यों आ जाते खुशी तो जीजी हम संभाल लेंगे माना कि हमारी जीजी लाखों में एक है पर जीजी ने अपना फैसला सुना दिया और आपको ना सुनने का इतना ही शौक है ना तो जीजी लिख के दे देंगे फिर आप अपने दीवार पे चिपकाना और आते जाते वक्त पढ़ते रहना ना 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 शट अप और देखो इसे पढ़ो इसे तुम्हारी वजह से मेरा भाई ये बेवकूफी कर रहा है क्या ही माने अनर सिंह रायसादा जी हमें आपका ऑर्डर मिला और ये क्या है अच्छा पायल जी मैंने आपसे बात करने की बहुत बहुत कोशिश की पर आपने खैर आप बात नहीं करना चाहती मेरी बात सुनना नहीं चाहती मेरे प्यार को अपनाना नहीं चाहती तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब क्या मैं जा रहा हूं आपसे बहुत बहुत दूर अब क्या हाँ अगर तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कुछ हुआ ना कहाँ कहाँ है वो अभी स्कैनल पॉइंट जाते हुए देखा था मैंने क्या आपने उन्हें जाते हुए देखा तो रोका क्यों नहीं कैसे भाई है आप क्या बोलूं अब क्या मतलब है इस क्या बोलूं आपका कुछ मत बोलिए आपका भाई है जाकर ढूंढिए उन्हें खुशी ये सब क्या जी जी अब आप भी इनकी तरह सवाल पूछ रही हो और वो भी इस वक्त मैंने आपसे कहा था आज सोच समझ के बात करना कोई भी दुर्घटना हो सकती है आप जल्दी चलो कहीं देर ना हो जाए ऐसे मत बोल खुशी जल्दी ले चलना हमें उनके पास हाँ। चलिए अर्नब जी चल खुशी चल। बहुत ही स्टूपिड प्लान था इतने लूपहोल्स से तुम्हारी जीजी सही कह रही थी अगर मुझे पता है कि आकाश ने कहां से कूदना तो मुझे उसे बचाने जाना चाहिए या तुम्हें घर आके लेटर देना चाहिए जीजी आ गई ना मतलब प्लान अच्छा था आकाश जी आकाश जी दिख नहीं रहे कहीं सच में तो नहीं कूदे आकाश जी खुशी जी जी हमें लगता कि आकाश जी चश्मा उतार के कूदे होंगे वो क्या है ना उन्होंने सोचा होगा कि ऊंचाई ना दिखे तो कम डर लगेगा और कूदने में भी आसानी होगी क्यों अर्नब जी Thank you.
पायल जी, मुझे आपसे प्यार हो गया। हमने आपको खो दिया आकाश जी, ऐसा क्यों किया आपने? अब हम कैसे बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते? दीदी संभाल के पायल जी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? पायल जी, मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगी। आप सब हमारे साथ मजाक कर रहे थे? जी जी पायल जी, पायल जी, आई एम सॉरी कि मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन अगर मैं आपसे झूठ नहीं कहता तो आप आती नहीं, और अगर आप आती नहीं तो आपको पता कैसे चलता कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं? भाई जी देखिए, मैं जानता हूं कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड्स अलग हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं आपके सिवा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता, और अब तो मैं ये भी जान गया हूं कि आपकी भी यही सोच है। लेकिन आपके परिवार वाले और सब? मैं बात करूंगा, घर वालों को मैं संभाल लूंगा। थैंक्स भाई। और तुम? तुमने भी उल्लू बनाया ना हमें? आपने हमारी सुन ली देवी मैया। चलिए गाड़ी में फर्स्ट एड किट है।